पास एक ऐसी चीज है जिसकी अगर उसको आप ओपन करते हैं तो कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो जितना शेड है इससे निकलने के लिए आप उसका इस्तेमाल, और वो क्या चीज है जितना, देखिए अभी सब कोर्ट में, अभी वो कुछ नहीं बता सकते। सी अगेन द मैटर इज इन लिटिगेशन, टू टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ इज आल्सो नॉट ओके। द रीजन व्हाई आई हैव डन इट एंड आई हैव सेड, बिकॉज ये सारी चीजें कोर्ट में लग चुकी हैं। ये नहीं है कि मेरे पास आज नई चीज आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगाने, ये कोर्ट में लग गया पिछले महीने, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज, तभी आई एम स्ट्रांग इनफ टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस गोइंग अराउंड, बिकॉज आई हैव इनफ थिंग्स नाउ, आई हैव इनफ पीपल टेलिंग मी थिंग्स। जजमेंट की अब तो फिर वही हो जाता है, जॉनी डेप वाला हो जाएगा काम। तो मेरा ये पूछना था कि आपके आसपास पास के लोग हैं तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिला, यू नो कि जब उनका सपोर्ट हो वो आपको समझते हो तो कहीं ना कहीं इन केसेस को देखिए आज की तारीख में ऑफकोर्स ये भी मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे जब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, लोगों को सच्चाइयाँ पता चल रही है, दोनों जब साथ में दिखते हैं, हर जगह दिख रहे हैं, लोगों की पार्टीज में दिख रहे हैं, अलग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यार यहीं लोखंडवाला में मेरे पूरी मार्केट मुझे पिछले 20 साल से जानती है, मैं चले जाता हूँ उसी मार्केट में, लोग बोलते हैं कि सर आए थे दोनों साथ में यहाँ वहाँ, एवरीबडी टेल्स मी यार Do you think it is a good thing? आदमियों के लिए तो जो see laws in our country are very favorable for women, ये बनाए इसलिए गए थे ताकि सही चीज़ के लिए use किए जाएँ, क्योंकि गलत चीज़ें औरतों के साथ बहुत हुई हैं इतने सालों में, तो ये उनकी protection के लिए बनाए गए, ना कि इसलिए कि आप misuse करके भैया आओ सारी family को भी ले लो, इसको भी ले लो भाई, इसका ये लो सर भी मार दिया, ये लो भाई अफेयर भी कर रहा है, ये लो ऐसा है, 10 चीज़ें लगाई हैं यार, मतलब आई कैन इवन टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स शी इज पुट, इट साउंड्स सो वियर, घर आया मारा कपड़े फाड़े, ही डिड दैट थिंग। सी आई डोंट नो अबाउट दैट, ही केप्ट फाइटिंग अ केस फॉर 6-7 years, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साल में यहाँ पे खड़ा हूँ 14 महीने में, शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है, एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था यार, ये राहत तो थी कम से कम उसको, यहाँ तो मैं अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ ले कर चल रहा हूँ ना साथ में, तो इट इज़ सोचने पे मजबूर किया है इस केस ने, एग्जैक्टली एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है, लोग हमारे यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि यार आदमी हर बार गलत नहीं है, शायद ये भी कुछ करे, मैं भी फैमिली कोर्ट जाता हूँ यार, बड़े आदमी वहाँ भी मिल जाते हैं, कहते सर हमारे साथ भी यही हो रहा है, हमारी बीवी ने, हमने कहा कि हम अलग ही हो जाते हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर ये सब डाल दिया है, हम तो बस फंसे ही हुए हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, परसेप्शन नीड टू चेंज देयर ऑल्सो हम, और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बाहर हो रहा है, ये हो रहा है और आदमियों के लिए सच, एक बात तो है ना, सच्चाई कहीं होगी तो बाहर तो आएगी, लड़ाई लंबी होती, यही सिखाया गया ना बचपन से हम सबको कि भाई अगर आप सच्चे हो टाइम ज़्यादा लगेगा, सच्चाई आएगी बाहर ज़रूर, और जब सच पता चलता है तो झूठ की हार तो होगी, तो अब जब मैटर कोर्ट में है, लेट लेट द जजेस डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड। साथ ही करण, एलिगेशन से ये